एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फिनोमिना होती है, सरफेस के ऊपर होने वाली एक्टिविटी होती है। कोई भी चीज़ आती है तो सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाती है या कुछ लेयर तक अंदर जाती है, मगर बल्क में अंदर नहीं जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है। ठीक है, एडजॉर्प्शन का एक एंटोनिम है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इसका अपोजिट है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनिम कह सकते हैं। एक सरफेस फिनोमिना है तो एक बल्क फिनोमिना है, एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रह जाता है, यहाँ में मॉलिक्यूल सरफेस के नीचे चला जाता है। एडजॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर और एब्जॉर्प्शन में सरफेस के नीचे मॉलिक्यूल चला जाता है। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है, एक तो फिजिजॉर्प्शन होता है फिजिकल और एक केमिकल होता है। एडजॉर्प्शन का प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, क्योंकि जब भी ये सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल जाके स्टिक करते हैं तो कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये भी ली चटेलियर प्रिंसिपल की तरह से काम करने लगता है फिर। ओके, तो यहाँ फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस पे ही होता है और इसकी जो एनर्जी होती है वो केमिकल एडजॉर्प्शन से कम होती है, और यहाँ पे सरफेस के ऊपर केवल है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर भी है और कुछ लेयर नीचे तक एडजॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ केमिकल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स काम करता है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो जो है कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एड्सॉर्बेंट और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या रिलेशन है, कितने अमाउंट में एब्जॉर्प्शन सरफेस पे गिवन टेम्परेचर पे हुआ है। तो यहाँ पे एक होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एक होता है एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, आइसोबार यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिलेशन है कांस्टेंट टेम्परेचर के एक्स बाई एम, ठीक है, और किसके बीच में, पी के बीच में। ठीक, यहाँ पे जहाँ देखो दिक्कत होगी पूछना जरूर, यहाँ पे जो है कि प्रेशर फिक्स है, टेम्परेचर वैरी कर रहा है। ठीक है, तो कितना एडजॉर्प्शन होता है वो इसको बताता है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ पे एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन भी है। एडजॉर्प्शन बहुत जगह पे काम आता है, जैसे केमिकल में कोई प्यूरिफिकेशन करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग चारकोल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अगर हम कोई केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है तो हम चारकोल डाल देते हैं, तो वो चारकोल क्या करता है, इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे जो गैस मास्क होते हैं वो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी बेस पे जो है कि चिमनीज बनी होती हैं वो वहाँ पे भी एडजॉर्प्शन होता है, तो जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, एनीवन?
एनीथिंग अबाउट द एडसॉर्प्शन या एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, कोई भी किसी को दिक्कत हो, फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे. पहले हम सारे टॉपिक को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलरली एक एक करके देखेंगे. अब इसके बाद नंबर आता है हमारा कैटालिसिस का. ठीक है, कैटालिसिस जो होता है यहाँ पे दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस. और इसके बाद ये सेल सेलेक्टिव है, ये एंजाइम. ठीक है, ये सभी एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. एडजॉर्प्शन, कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब हो गया होमो. होमो मीन्स सेम, होमो आइसो में सब उनका होता है सेम. तो यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट. ठीक है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, सेम फेज में होते हैं. ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट. यहां पे जो है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब डिफरेंट फेज में होते हैं. सेम फेज में ना होगा तो डिफरेंट फेज में होते, डिफरेंट फेज. ठीक है, सेल सेलेक्टिव कैटालिसिस में हमने बताया था कि ये जो कैटलिस्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है. इस पर्टिकुलर शेप के कारण करके हनीकॉम स्ट्रक्चर बताया गया है. हम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये सरफेस एरिया बढ़ जाती है, एडजॉर्प्शन तेजी से होता है. ये हम लोग जो है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, वाटर रिफाइनिंग में हार्डनेस रिमूव करने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने के लिए, और जो है कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में हम लोग शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का यूज़ करते हैं. ठीक है, जहाँ जिसको दिक्कत हो पूछता चलेगा तो हम बता देंगे, नहीं पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं. एंजाइम क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होता है. कैटलिस्ट सबको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, अचीव कराने में मदद करता है. एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. ठीक है, अब ये बायो कैटलिस्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शन हैं उनको कैटलाइज करते हैं, वो जल्दी से कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, इसलिए जो है कि वहाँ पे बायो कैटलिस्ट यूज होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं. बेसिकली जो ये एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और कैटलिस्ट की तरह से एंजाइम भी स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम काम करता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरा एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज कर दे. ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैटालिसिस के बारे में वेरी शॉर्ट में. इसके बाद हमारा आता है कोलाइड. कोलाइड में एक तो है लायोफिलिक और एक है लायोफोबिक. लायोफिलिक लिक्विड लविंग, यानी कि यहाँ पे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स, डिस्पर्स फेज
और डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्सन मीडियम प्लस यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम लिख देते हैं, डिस्पर्शन मीडियम के बीच में पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है, दोनों आपस में आसानी से मिल जाते हैं। दो ऐसे सॉल्यूट और साल्वेंट जो आपस में घुल करके कोलाइडल रेंज में होते हैं, वो उसे जो है कि लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। ऐसे कोलाइड को हमें बनाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप ही बन के तैयार हो जाते हैं। लायोफोबिक में क्या है, यहाँ पे लिक्विड हेटिंग इसको बोलते हैं, लिक्विड हेटिंग। ये सारी चीज़ें हम एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। लिक्विड हेटिंग यानी कि यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में निगेटिव इंट्रैक्शन होता है। निगेटिव इंट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में कभी मिलेंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा, और मिलाना होगा तो कुछ हमें अलग से काम करना होगा। जो दो चीज़ें आपस में कभी मिल नहीं सकती हैं और उन्हें हमें मिलाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। उस एक्स्ट्रा काम में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और उस प्रिपरेशन में हम लोग क्या 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 यूज करते हैं, तो कोलाइडर मील, कोलाइडर मील, ये कोलाइडर मील जो है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को कोलाइडर रेंज में तोड़ देता है, जिससे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन क्या होता है, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ये होता है कि हम इलेक्ट्रोड लेकर के किसी जिस भी मेटल का हमें डिस्पर्सन कराना है, इसके लिए हम एक ऐसा व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इसके अंदर जो है कि मीडियम भरा होता है जिसके अंदर हमें डिस्पर्सन कराना है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स की एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों को जब टच करते हैं तो यहाँ स्पार्किंग होती है, और ये स्पार्किंग के दौरान दोनों रॉड जब टच करते हैं तो इनके कुछ पार्ट यहाँ पे कोलाइडर रेंज में टूट के गिर जाते हैं और सॉल्यूशन में जाके मिल जाते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। जहाँ जिसको समझ में नहीं आया पूछ रहे हैं। अब इसके बाद हमारा होता है पेप्टाइजेशन करते हैं। पेप्टाइजेशन में क्या करते हैं कि जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक तीसरा जो है कि एजेंट इसके अंदर डाल देते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। अभी पेप्टाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो पेप्टाइजिंग एजेंट साल्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक छोटे से अमाउंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज डाल देते हैं जिससे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में मिल जाता है, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ केस में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में भी देखते हैं किसके ऊपर चार्ज हाई है, जिसके ऊपर चार्ज हाई होगा, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अगर हाई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेप्टाइजेशन करेगा, अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि मान लो यहाँ पे एल्यूमिनियम है 3+ और यहाँ पे जो है कि मैग्नीशियम है +2 और सोडियम है +1, अब पूछा जाए कि इसमें से कौन सबसे ज़्यादा पेप्टाइजेशन करेगा, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पेप्टाइजेशन करेगा,
तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो करेगा। अगर मान लो यहाँ पे एनायन दिया है CO3 2 2 2+ और PO4-, और यहाँ पे Cl- दिया है। अब इसमें पूछा जाए कौन ज़्यादा पेप्टाइजेशन कराएगा, तो ये पेप्टाइजेशन ज़्यादा कराएगा। ठीक है, पेप्टाइजेशन में हमने क्या किया कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को पेप्टाइजिंग एजेंट की मदद से मिला दिया, पेप्टाइजिंग एजेंट की मदद से मिला दिया। ठीक है, तो एक इसका अपोजिट टर्म है, यहाँ पे अपोजिट टर्म है वो है कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, जैसे दूध जम जाता है, खट्टी चीज डालते कोएगुलेशन हो जाता है, ब्लड बॉडी के बाहर आते ही एयर के कांटेक्ट में आके कोएगुलेट कर जाता है, जम जाता है। तो कोएगुलेशन में भी जो है हमें ये देखना पड़ता है, कोएगुलेशन में क्या होता है कि जितना अमाउंट में हम पेप्टाइजेशन में डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, उससे हम ज़्यादा कितना ज़्यादा जो है कि साल्ट डाल दें कि फिर से जो है कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाए। यहाँ पे कोएगुलेशन में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अलग हो जाता है। जैसे अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, आई होप आपको सबको हमारी बात सुनाई दे रही होगी, सबको मेरी बात सुनाई दे रही होगी, तुरंत यस ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो बोलोगे तभी हम वहाँ पे रिवाइंड करेंगे, अदरवाइज यू ऑल आर जीनियस। ठीक है, मिल्क में क्या होता है, फैट प्लस वाटर। अब ये दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन कौन सी है, केसीन प्रोटीन की वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसी दूध में प्रोटीन केसीन अधिक अमाउंट में हो जाए, या इसमें हम जो है कि कोई भी खट्टा चीज़ शोर खट्टी चीज़ हम डाल दें, तो ये क्या होता है, फैट और वाटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, फैट और वाटर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब हम पनीर बनाते हैं तो ऐसा ही काम करते हैं, कोई खट्टी चीज़ डाल देते हैं जिससे कि फैट प्रोटीन के साथ अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हमारा कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन होने के बाद जब हम इस तरह से प्रिपरेशन कर लेते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, एक तो कोलाइडर ग्रेन से सारी जो कोलाइडर मेल की मदद से जो हमारे डिस्पर्स फेज होते हैं उनको कोलाइडर मेल में पार्टिकल को तोड़ करके छोटा छोटा कर लेते हैं, और जब डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं तो अपने आप हो जाके घुल जाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन मेथड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम गोल्ड का सॉल बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड का सॉल बनता नहीं है, तो वहाँ पे गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का, जो भी चाहे इलेक्ट्रो डिस्पर्सन से हम सॉल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि हमारा आ जाता है पेप्टाइजेशन में हमने बताया कि हम मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, अदर भी चीज़ें पेप्टाइजिंग एजेंट का काम करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिला देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आपस में मिलाते हैं, मिक्स कराते हैं, उन्हें हम पेप्टाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब इसमें कोई साल्ट भी हो सकता है, और हार्डी एंड सूल ने बताया था कि जिस भी साल्ट में चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पेप्टाइजेशन कराएगा,
और कोएगुलेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन का जस्ट अपोजिट है। तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट जब डाल देते हैं, जितना डाल करके हमने पेप्टाइजेशन किया उससे थोड़ा अगर ज़्यादा डाल देंगे तो वो क्या होगा, कोएगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा। आई बात समझे, वो जम जाएगा, ठीक है। तो इस जमने के प्रोसेस को हम कोएगुलेशन करते हैं। अब हम पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन या कोलाइडर मिल की मदद से जो भी कोलाइडर सॉल्व बनाते हैं वो इम्प्योर होता है, तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडर सॉल्व। अब यहाँ पे जो कोलाइडर सॉल्व है वो क्या है, ये लायोफोबिक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि लायोफोबिक है। अब इसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए एक मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस में क्या करते हैं कि एक जैसे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पार्चमेंट बैग जो कि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होता है, ये एसपीएम है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर हम लोग इम्प्योर कोलाइडर लेते हैं। इम्प्योर कोलाइडर लेते हैं और इसके बाद क्या होता है कि इसमें हम लोग पानी भर देते हैं। और यहाँ पे टैप लगा देते हैं, पानी इसके अंदर से गिरता रहे। तो अब क्या होता है कि जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो इसके अंदर ही जाता है और जा करके जो इम्प्योरिटी होती है उसकी साइज इतनी छोटी कर देता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर आ जाता है और जो प्योर कोलाइड है वो अंदर पड़ा रह जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है, ये ट्रेडिशनल डायलिसिस होती है। दूसरा, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोडायलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करते हैं, बस सारा अरेंजमेंट यही रहता है, बस बगल में जो है कि इलेक्ट्रोड लगा देंगे। ये सपोज कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड की मदद से ये हम लोग जानते हैं कि हमारे कोलाइडर पार्टिकल होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अभी से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या होगा, जो इम्प्योरिटी होंगी जो नेगेटिव होती हैं वो तो पॉजिटिव पोल पे आ जाएंगी और जो नेगेटिव होगी नेगेटिव पोल पे चली जाएंगी और प्योर जो है कि कोलाइडर सॉल्यूशन बन के हमें तैयार मिलेगा। अब ये फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत तेज होता है। आजकल जो हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोडायलिसिस की जाती है वो इसी मेथड से की जाती है। ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलो, किसी को दिक्कत नहीं तो सो गुड। इसके बाद हमारा, हमने इसमें लिखा हुआ था अब इसमें हमारे कोलाइडर, एक तो हमने कोलाइडर सॉल्यूशन की कैटेगरी देखी जिसमें कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंट्रैक्शन को देखा था। उस इंट्रैक्शन के आधार पे हमने देखा था कि अगर इंट्रैक्शन पॉजिटिव है तो लायोफिलिक, अगर नेगेटिव है तो लायोफोबिक है, ठीक है। अब लायोफिलिक कोलाइड को बनाना पड़ेगा, उसका हमने प्योरिफिकेशन वगैरह देख लिया, ठीक है, इम्प्योरिटीज वगैरह देख लिया। अगला जो हमारा इसमें था सेप सेलेक्टिविटी, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या कहता है भाई,
कि कोई भी कैटलिस्ट की ये एबिलिटी होती है कि डायरेक्ट रिएक्शन करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट देता है। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह से सेलेक्ट करके देता है, ठीक है। तो depending upon the size of particle की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, साइज एंड शेप दोनों चीज़ें, साइज एंड शेप, क्या साइज है क्या शेप है, उस हिसाब से यहाँ पे जुए की कैटालिसिस होती है, ठीक है। एक होता है जैसे जियोलाइट होता है और एक JSM5 होता है। ये दो सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो अगर सेप पूछा जाए कैसा होता है, तो हनीकॉम्ब की तरह से होता है, ठीक है। हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते की तरह से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क। नहीं है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका क्लासिफिकेशन सेप की बेस पे करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है, कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब ये जो कोलाइड होते हैं, साइज के बेस में हम देख रहे हैं, साइज एंड शेप के बेस में, ठीक है। अब इसमें जो है कि एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर, और ये है माइक्रोमॉलिक्यूलर। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं। एनीबडी एनी प्रॉब्लम, ओके। तो अब इसके देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट